Bismillahirrahmanirrahim. Some important topics. Guessing guess. जो मैंने आपको important questions बताए, अब उसके अंदर से भी मैं आपको कुछ main topics बता रहा हूँ, 3 से 5 topics. सबसे पहले आप उनको तैयार कर लें ताकि आप paper के लिए तैयार हो जाएं. फिर आपके पास time बचे तो जो मैंने other question दिए हुए हैं वो भी आप तैयार करें. ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जेहन में बिठा लें कि ये जो आपको अब दिए जा रही हैं 3 से 5 टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, इनको पहले आपने करना है और उसके बाद फिर जितने भी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपने सारे तैयार करने हैं. इसी के ऊपर इक्तफा नहीं करना कि ये 3 से 5 जो टॉपिक्स मिल जाए आपने कि चलेंगे बस ये काफ़ी हैं, अभी हमें जो है वो मज़ीद टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है. ये आपने सबसे पहले करने हैं और खसूसी तौर पे ये उन स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट्स निकाले जा रहे हैं जो कहते हैं कि हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं हुई, हमने अभी जो है वो एडमिशन जमा करवाया है और 4-5 दिन पहले जो है हम पढ़ने लगे हैं. ये खसूसी तौर पे उनके लिए जो है वो 3 से 5 टॉपिक्स मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ. आप इनको पहले तैयार कर लें और फिर आपके पास टाइम बचे तो फिर आप दूसरे टॉपिक्स भी तैयार करने की कोशिश करें. इन टॉपिक्स के अंदर भी जो मैथमेटिकल पोर्शन है उनको लास्ट पे रखें, मैथमेटिकल पोर्शन लास्ट पे रखें, पहले आप उसको कर लेते हैं. लेकिन पहले हम स्टार्ट लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट लेते हैं. इसके अंदर मैंने जो आपको टॉपिक्स दिए थे वो मैंने दिए थे जो है मेरे पास बन जाते हैं, वो मैंने जो आपको टॉपिक्स दिए थे वो 15 टॉपिक्स थे. उसके अंदर से भी मैं अब शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि कि आप पेपर के लिए तैयार हो जाएं. 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने हैं. अच्छा, एक और बात, 3 पेपर बड़े 100 मार्क्स वाले जो है वो आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है. अब ये भी मुझसे कहा जा रहा था कि 2 ये 100 वाले हो जाएं, 1 50 वाला हो जाए तो काम चल जाएगा. नहीं, आपको 3 पेपर्स क्वालिफाई करने हैं इस सप्ली में अपीयर होने के लिए, इस फेल होने से बचने के लिए 3 पेपर्स, और वो 3 पेपर्स 100 मार्क्स के होने चाहिए. तीनों 100 मार्क्स के होने चाहिए और उनमें ये तीनों पेपर में 45 का एग्रीगेट होना चाहिए. अगर किसी एक पेपर में ज़्यादा नंबर निकल आते हैं, 2 में कम निकल आते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन 40 से नीचे नंबर आपके नहीं होने चाहिए. 3 पेपर्स 100 मार्क्स वाले. लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो आपको मैंने दिया था पहला क्वेश्चन, पहला टॉपिक वो आप तैयार कर लें. व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग एडम मार्शल एंड रॉबिन इकोनॉमिक थ्योरी. अब ये टॉपिक जो है अगर आपने बीकॉम के अंदर पढ़ा होगा वहाँ से भी इसको तैयार कर सकते हैं. आपको डेफिनेशन करनी है, इम्पोर्टेंस करनी है वो जो है, और फिर स्कोप एंड टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बाकी जो 3 पॉइंट है इसके अंदर से भी वो पूछ सकते हैं. तो ये टोटल कम्प्लीट, अगर आप इसके अंदर ये शामिल कर लें प्राइस स्कोर और प्राइस कंट्रोल जो क्वेश्चन नंबर 2 में है तो अच्छा बात हो जाएगा. प्राइस स्कोर और प्राइस कंट्रोल ये एक टॉपिक जो है वो आप फुली तैयार कर लें. उसके बाद आप आ जाएं टॉपिक नंबर 4 की तरफ जो मैंने आपको बताया हुआ था, एक्सप्लेन विद स्केड्यूल एंड डायग्राम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी एंड डिफरेंस कर्व. ये टॉपिक इन इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक जो है स्टार्ट में से, दूसरा क्वेश्चन होप इंशाल्लाह ताला जो है वो आपका इसमें से निकल आएगा. ये आपने सबसे पहले तैयार करने हैं. 3 से 3.5 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर आते हैं पेपर में तो आपका पेपर 70% चांसेस हो जाएंगे पास होने के, लेकिन करने आपने 5 पे 5 ही हैं. 3 से 3.5 क्वेश्चन अगर आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं पेपर में आ जाते हैं आपको जो आते हैं तो पेपर आपका 60-70% चांसेस है कि आपका पेपर पास हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर अब आप आ जाएं टॉपिक नंबर 6 के ऊपर आ जाएं. एक आपका पहला था, दूसरा टॉपिक 4,
और अब तीसरा जो टॉपिक मैं आपके लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ इस गेस्ट के अंदर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिगार्डिंग प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये कंप्लीट इनके रिलेशनशिप। इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह ताला आपको पेपर में आएगा। ये आपकी तीन टॉपिक हो गए, फर्स्ट फोर्थ एंड सिक्स्थ टॉपिक। चौथे नंबर पे जो चौथा जो मैंने टॉपिक आपके लिए सिलेक्ट किया है वो मैंने किया है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, इन दोनों को आप तैयार कर लें, इन दोनों में जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक क्वेश्चन ज़रूर निकलेगा। परफेक्ट कंपटीशन अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन और मोनोपोली अंडर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब इसके बाद आपके पास टाइम बने तो कोशिश करनी है कि आप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इसको भी आपने मैथमेटिकली तरीके से कर लेना है। ये आपके टॉपिक मैंने तीन से पांच जो थे टॉपिक आपके निकाले हैं माइक्रो के अंदर से। सबसे पहले आप इनको तैयार कर लें और फिर आपके पास टाइम बने तो रिमेनिंग जो मैंने दिए हुए हैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो भी आप तैयार करें। लेकिन ये खसूसी तौर पे इन उन स्टूडेंट्स के लिए निकाला जा रहा है जिन्होंने अभी ही जो है वो एडमिशन दिया और उनकी तैयारी नहीं है, जॉब वगैरह भी कर रहे हैं उनकी तैयारी नहीं है, वो आप चाह रहे हैं कि तीन से चार टॉपिक मिल जाए ताकि हम पेपर में जाके पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। तो ये खसूसी तौर पर उनके लिए पॉइंट्स निकाले गए हैं। ये आपका माइक्रो का कम्प्लीट हुआ। अब हम आते हैं मैक्रो की तरफ। मैक्रो के हम अंदर देखते हैं कि मैक्रो के अंदर मैंने आपको जो दिए थे वो मैंने दिए हुए हैं टॉपिक, आपको नाइन टॉपिक्स हैं। इसको भी मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की डिमांड है कि जी और शॉर्ट हो जाए और कम हो जाए। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप, ये आपने एक पहला टॉपिक। एक दूसरा टॉपिक आपके लिए जो मैंने चूज किया वो यही टॉपिक नंबर टू ही कंप्लीट, डिफाइन नेशनल इनकम एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। दोनों फर्स्ट टॉपिक। उसके बाद आप आ जाएं टॉपिक नंबर फाइव के ऊपर। ये मैंने थर्ड टॉपिक आपका बनाया इसके लिए, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज इन आईएस एंड एलएम कर्व इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम। ये आपका थर्ड जो है वो टॉपिक पॉइंट बना आपका। अब फोर्थ जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो किया है टॉपिक नंबर सेवन। अब वो कौन सा है? फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। और लास्ट जो टॉपिक मैंने आपका फाइव अटेम्प्ट किया वो नोट ऑन द फॉलोइंग। ये आपने सबसे एंड पे रखना है। पहले जो आपके जो चार टॉपिक हैं उनको आप तैयार कर लें। चार टॉपिक तैयार करने के बाद फिर आपने ये नोट ऑन द फॉलोइंग जो है वो आपने तैयार करनी है। फिर आपके पास टाइम बचे, टाइम बनता है तो रिमेनिंग जो पोर्शन है आपके जिसके अंदर मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे वो आप कर सकते हैं। नोट ऑन द फॉलोइंग जो था वो कैलडोर मॉडल ऑफ ट्रेड डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुट उस इन्फ्लेशन मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिलिप कर्व अप्रोच टू इन्फ्लेशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, बैलेंस्ड बजट, ट्विन डेफिसिट, स्टैगफ्लेशन, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस एंड परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। पहले वो चार टॉपिक करके एंड पे फिर आपने इस टॉपिक को तैयार करना है और इस टॉपिक के अंदर भी जो प्रायोरिटी पे रखने हैं आपने वो रखने हैं डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, फिर आपने फिलिप कर्व अप्रोच टू इन्फ्लेशन, फिर वो कैलडोर वगैरह ये
ये आपका जी मैक्रो का जो है वो गैस इन गैस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने आपको जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए। अब हम आते हैं अपना फोर्थ पेपर, तीसरा पेपर ले लेते हैं जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की तरफ आ जाते हैं। आपको मैंने कहा था कि तीन पेपर जो है वो आपने कोशिश करने के जरूर अटेम्प्ट करने हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैंने आपको बताया था इस्लामिक इकोनॉमिक्स, थर्ड नंबर पे मैंने कहा था कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ये तीन पेपर जो है वो श्योर करें ये पेपर जो है ना वो आपके इंशाल्लाह ताला आसानी के साथ कवर हो सकते हैं, थोड़ी सी अगर आप अटेम्प्ट करें। फोर्थ के ऊपर जो है वो फिर आप वो तो आपने जो है मेजर इशूज़ वो तो आपने लेना ही लेना है 50 नंबर का, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 100 मार्क्स वाले जो पांच पेपर हैं आपके माइक्रो मैक्रो और इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आप मैक्रो को कर लें, पांचवें नंबर पे आप अपनी स्टैट को कर लें। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की तरफ हम आते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पहले तैयार करने हैं, उसके बाद फिर टाइम को मैनेज करते हुए फिर आप अदर टॉपिक्स भी आपने करने हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हुए थे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में से, वो मैंने दिए थे आठ टॉपिक्स, जो आठवां टॉपिक था वो डेफिनेशन के ऊपर मुश्तमल था। आपने इसमें क्या करना है कि पहला जो टॉपिक है और सेकंड नंबर पे टॉपिक है ये दोनों आप तैयार कर लें, जिसमें वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एंड इट्स स्लोप आ जाएगी, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन का ये है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा न्यूमेरिकली एंड ग्राफिकली। टॉपिक नंबर टू मैट्रिसेस, ये आपने कंप्लीट करना है, मैट्रिसेस कंप्लीट करना है, दो टॉपिक आपके हो गए। तीसरा आप टॉपिक कर लें लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर एक मेथड ही है जो आपने करना है, तो सिंपलेस्ट मेथड जो है वो। और चौथे नंबर पे फिर आप अपनी आ जाएं डेफिनेशन की तरफ, चौथे नंबर पे डेफिनेशन की तरफ आ जाएं, पहला स्ट्रेट लाइन का, दूसरा मैट्रिसेस, तीसरा नंबर लीनियर प्रोग्रामिंग, चौथे नंबर पे डेफिनेशन की तरफ। अब थोड़ा सा अगर आपके टाइम मैनेज होता है तो फिर आप मैक्सिमा और मिनिमा का भी कर लें, ये एक एक ही टॉपिक है नॉर्मली, ये आसान या इतना मुश्किल नहीं अगर आप मैट्रिसेस को कर लेते हैं। तो डेफिनेशन जो आप फिर चौथे नंबर पे लास्ट टॉपिक पे आपने डेफिनेशन करनी है, उसके अंदर से भी मैं थोड़ा सा जो है आपको ब्रीफ ये देता हूँ कि डेफिनेशन में जो वेरिएबल का टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरिएबल्स, और वो भी डेफिनेशन के अंदर मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट ही रखा हुआ है। इसमें कॉन्टीन्यूअस आ जाएगा, डिसकॉन्टीन्यूअस आ जाएगा, इंडोजिनस आ जाएगा, एक्सोजिनस आ जाएगा, चॉइस आ जाएगा, डमी वेरिएबल आ जाएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको पहले नंबर पे रख लें। उसके बाद फिर ये आ जाएगा पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम मार्केट, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपके कुछ बन जाते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स की तरफ, इस्लामिक इकोनॉमिक्स की तरफ हम आते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इस्लामिक इकोनॉमिक्स, ये आपने करना है। दूसरा टॉपिक जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया वो ये है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, और ये खुसूसी तौर पे आपने कंपैरिजन देना है इसका कैपिटलिज्म के अंदर और सोशलिज्म के अंदर, ये इसके अंदर कंपैरिजन देना है। ये दो टॉपिक आपके हो गए। अच्छा, इसमें से भी जो है तीसरे नंबर पे जो आपके लिए मैंने चूज़ किया वो मैंने चूज़ किया कि मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग इन इस्लाम, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग इन इस्लाम, पहला जो था इंट्रोडक्शन, दूसरा वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम, तीसरे नंबर पे मैंने मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग जिनके अंदर मुशारका मुदारबा और बै आ जाएगी। चौथे नंबर पे जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया वो किया है जो है डिस्ट्रीब्यूशन इन इस्लामिक इकोनॉमिक, चौथे नंबर फिफ्थ नंबर पे लास्ट पे मैंने लिया न्यू एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस,
ये पांच टॉपिक जो है मैंने आपके सिलेक्ट किए हैं, सबसे पहले आप इनको तैयार कर लें, फिर अगर आपके पास टाइम बनता है तो फिर आप रिमेनिंग टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाता है आपका मेजर इश्यूज़ की तरफ। मेजर इश्यूज़ के अंदर जो टॉपिक्स आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं, इसमें दो सेक्टर, इसमें किसी किस्म की आपने कोई पॉइंट नहीं छोड़ना, जो एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाएगा और इंडस्ट्रियल सेक्टर आ जाएगा, ये दो सेक्टर जो है वो आपने कंप्लीट तैयार करने हैं। ये आपको 9 टॉपिक्स दिए गए हैं इसके अंदर करने के लिए, जिसमें से मजीद मैं अब आपको शॉर्ट कर रहा हूँ। एक टॉपिक आपने टॉप ऑफ द लिस्ट फौरन जो तैयार करना है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को तैयार करें पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर तैयार करें इंडस्ट्रियल सेक्टर को। जब ये दो सेक्टर आपके तैयार हो जाए फिर आप साथ ही आ जाए एनालाइज द फिस्कल एंड मोनिटरी पॉलिसीज ऑफ पाक इन डिफरेंट प्लान पीरियड। तो बल्कि पहले आप एग्रीकल्चर कर लें, फिर आप इंडस्ट्रियल कर लें, तीसरे नंबर पे जो फिर आपने करना है वो करना है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इंटरनेशनल, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड एंड इंटरनेशनल डेट, तीसरे नंबर पे आप ये टॉपिक तैयार कर लें। चौथे नंबर पे फिर आप आ जाए जो आपका फर्स्ट टॉपिक है जो पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ इज फर्निश्ड विद लिमिटेड डेवलपमेंट एनालिसिस विद रेफरेंस टू द डिफरेंट पीरियड्स, और ये आपका जो है 1, 2, 3 और ये 4 आपके जो है वो टॉपिक, 5 टॉपिक बन जाते हैं आपके, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डिपेंडेंस और फिर वो एनालिसिस फिस्कल मॉनेटरी और जो फर्स्ट जो है वो आपका ये आपके बन जाते हैं। अब ये पेपर हैं, बाकी स्टैट का आ जाता है, स्टैट के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि आप जो है प्रोबेबिलिटी को साइड पे रख के, बाकी वो स्टैट आपने बीकॉम के अंदर भी पढ़ी हुई है उसको तैयार कर लें, फिर आप प्रोबेबिलिटी की तरफ आ जाएं। अब आपके पास टाइम थोड़ा है इसलिए इन पेपर्स को जो है 3 पेपर 100 वाले और 1 50 मार्क्स वाला जो पेपर, इनको जो है वो क्वालिफाई करने की कोशिश करें। माइक्रो मैक्रो मैथमेट माइक्रो इस्लामिक और मैथमेटिकल 7 मेजर इश्यूज, फिर उसके बाद जो है वो आप अपना मैक्रो का, और अगर फिर मजीद टाइम की मैनेज होता है तो फिर आप उसको स्टैट को भी जो है वो आप ले सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले इनको तैयार करना है उसके बाद आपने रिमेनिंग टॉपिक्स तैयार करने हैं। आई होप इंशाल्लाह ताला आपके ये पेपर जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, आप पास भी हो जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट जो है पेपर को छोड़े नहीं, आप लोगों ने पेपर जाके अटेम्प्ट करना है चाहे आपको आता है या नहीं आता। जब आप एक मरतबा पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये पेपर है कैसा, इसलिए पेपर को जाके ज़रूर आपके अटेम्प्ट करना है। पार्ट वन को जो है वो मैं फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट वन वाले फ्रेश हैं, इनको कुछ आइडिया नहीं है। पार्ट टू का जो है वो भी अभी मैंने अपलोड नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो आप लोगों के लिए पार्ट टू के लिए भी जो है वो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हुए थे उसमें से भी जो है वो शॉर्ट जो है वो आप कर पे, इसी तरह 3 से 5 टॉपिक भी आपको मैं बता दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, अगर आप समझते हैं कि इसका दूसरों को फ़ायदा पहुँच सकता है तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये तमाम वीडियोस जो है YouTube चैनल के अंदर जो इसी वीडियो के साथ लिंक है, लिंक भी दिया हुआ है, नदीम अख्तर अतारी के नाम पे चैनल बना हुआ है, वहाँ मैंने आपकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है MA इकोनॉमिक्स के नाम भी, उस प्लेलिस्ट को जो है वो आप ओपन करें, उसके अंदर ये तमाम वीडियोस कंपाइल हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, आप डायरेक्ट अपनी मतलूबा जो है वीडियो देख सकते हैं। इस पेज के ऊपर भी जो है वो उस का लिंक दिया हुआ है आपके प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट के अंदर भी जा के देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اس امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے. ملتے ہیں, آمین, ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ بیسٹ آف لک.